नहाना नहीं धोना नहीं, सड़ी सी शक्ल लेके बस यहीं करते रहे। क्या है ये, क्या होता है ये, क्या होता है ये? यहाँ टीवी में ब्लॉग चल रहा है, दुल्हन नाच रही है हमारी। यमी यमी भरी हुई तोरी की सब्जी तैयार है। हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया हो गए। तो गाइज अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैंने नहा लिया है, मैं तैयार हो चुकी हूँ। बाकी दिन भर में जो भी होता रहेगा दिखाते रहूंगी आपको इस ब्लॉग में, तो बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरे दिल पे ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मेरे दिल पे ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, तेरा तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया बंसी वाले तेरा। चलिए बनाते हैं सुबह का नाश्ता। कल जो काले चने की सब्जी सुबह नाश्ते में बनाई थी वो पड़ी हुई थी, दोपहर को हम खाना खाते नहीं है, रात को हम लोग पार्टी में चले गए थे खाना खाने के लिए, तो अभी उसी सब्जी के साथ सिंपल रोटी बनाने लगी हूँ। मेरा ये रहता है कि जब एक चीज़ ख़त्म हो जाए तो दूसरी बनाई जाए, नहीं तो खाली वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता मुझे कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है कि अन्न बहुत बड़ी चीज़ है और उसकी कदर करना बहुत बड़ी और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। जो अन्न की कदर नहीं करता वो किसी की कदर नहीं करता मेरे हिसाब से। तो अभी मम्मी और मैं खा रहे हैं यहाँ पे खाना और टीवी में चल रहा है मम्मी का सीरियल प्रणीति। मम्मी ये सीरियल देखने के लिए स्पेशल बैठी हुई है कि नहीं, मुझे तो ये देखना ही देखना है, कुछ हो जाए जिंदगी में, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर ये सीरियल नहीं छोड़ूंगी। खाना खा लिया हमने, अभी बर्तन मांजने लगी हूँ मैं। सीरियल की बात चल रही थी जब मैंने ब्लॉग बनाया, उसके बाद मम्मी मुझे बताने लगे, कह रहे सारे खत्म हो गए थे, तो मैंने कहा कैसे चलेगा टीवी, सीरियल निकल जाएगा मेरा स्पेशल। मम्मी गई है दुकान पे जाके सेल लेके आई है, रिमोट में सेल डाले हैं, उसके बाद चला है टीवी और मुझे पता भी नहीं है। मैं अंदर रूम में थी, मम्मी बाहर गए, आए सेल लेके, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब इतना प्यार है सीरियल से कि बहू को कहीं बता के जाऊंगी टाइम ना ज्यादा लग जाए मेरे को, मेरा सीरियल ना निकल जाए। मम्मी को बहुत शौक है सीरियल देखने का, सुबह से शाम तक मेरी वहां के सीरियल ही चलते रहते हैं अलग अलग टाइमिंग्स पे। कुछ महाराज जी तो मेरे इतने बिजी हो रहे हैं, इतने बिजी हो रहे हैं क्या ही बता दूं। फोन करने का उनका कोई मतलब ही नहीं है, मैं जब फोन करूं तब फोन बिजी, तब फोन बिजी, फोन बिजी आ रहा है। इंसान को पता तो लगता है कि पीछे कॉल आ रही है, फ्री होके कर लो कॉल, कोई बात नहीं। और अगर फोन उठा भी लिया तो कह देंगे मैं ना अभी थोड़ा सा बिजी हूं, मैं फ्री होकर बात करता हूं आपसे, और फ्री तो होते ही नहीं है कभी, मैं बस वेट ही करती रहूंगी, उनका फोन ही नहीं आता, मैं ही फोन करती रहती, बस वहां से फोन ही नहीं करते महाराज जी, क्या ही बता दूं। कैसी सी जिंदगी है, क्या फायदा बताओ, जिसके लिए शादी हुई, जिसके लिए मैं इस घर में हूँ, वही इंसान उससे बात नहीं कर रहा, बताओ क्या फायदा ऐसी शादी का। मैं यहाँ तो वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू ही दिखे मुझे देखती मैं जहाँ, सड़ू इंसान, मिस यू सो मच। वैसे मुझे पता है कि ब्लॉग भी आप कहाँ ही देख रहे होगे, जब आपको टाइम ही नहीं मिल रहा बात करने का, ब्लॉग भी कहाँ ही देखोगे। चलो कोई बात नहीं, बाद में तो देखोगे, कभी तो देखोगे, पता तो लगेगा आपको कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा था आप पे। अभी बर्तन वगैरह साफ कर लिए मैंने, गली में एक दीदी आए हुए हैं सामान बेचने के लिए, वो अक्सर आते रहते हैं हमारे गली में। मम्मी अभी बाहर गए हैं सामान देखने के लिए, कभी ज्वेलरी आर्टिफिशियल लेके आते हैं, कभी साड़ी सूट कुर्ते वगैरह लेके आते रहते हैं वो। इस मंगलसूत्र के बारे में आप लोग काफी कमेंट्स कर रहे हो कि काफी अच्छा लग रहा है, ये लवी की मम्मी ने लिया मेरे लिए, इन्हीं दीदी से लिया था, तो अभी जा रही हूँ मैं भी बाहर, देखती हूँ अगर कुछ अच्छा लगा तो लेके आऊंगी। लवी की मम्मी के घर में कपड़ों का लगा रखा है यहाँ पे ढेर, कुर्ते हैं, सूट है, प्लाजो है, सेल लगी सेल लगी सेल लगी, किसको चाहिए तो ले लो, आपको चाहिए? नहाना नहीं धोना नहीं, सड़ी सी शक्ल लेके बस यहीं करते रहे। क्या है ये, क्या होता है ये, क्या होता है ये? अभी ये शॉपिंग की गई है, कुर्ता, प्लाजो, दो लोअर, दिस वन एंड दैट वन, टन टन टन। सोने के कड़े चाहिए, सोने के कड़े 50 तोला।
प्रिया दीदी की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है तो मुझे कहने लगे कि दुकान से दूध वगैरह लेके आना, ले आ। पैकेट वाला दूध यूज करती हैं दीदी हमारे, तो घर घर में जो आते हैं ना देने के लिए तो दूध जी बोलते हैं पंजाबी में, तो हिंदी में पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो वो लगा रखा है। हमारे तो सुबह सुबह दूध आ जाता है घर में, तो धूप तो बहुत तगड़ी हो रही है। लेकिन वैसे मैं बाहर निकलती नहीं, लेकिन दीदी की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। फिर दोनों बालक मेरे पीछे पड़ गए, चाची चिज्जी लेके आनी है, चिज्जी लेके आनी है। मैंने कहा मैं कुछ ले आई अपनी पसंद से, फिर मुंह नाक बनाएंगे, चलो तुम दोनों भी साथ में चलो। तो अभी इन दोनों को साथ में लेके जा रही हूँ। लव कहाँ गया? इधर ला। लव कहाँ गया? लव कहाँ गया? लव कहाँ गया? अभी हम आ गए हैं शॉप पे। लवी वो दूध और लस्सी के पैकेट निकाल रही है दीदी अभी। नहीं सिंपल दे दो, बालकों ने अभी ये चीजी ली है, सामान ले लिया। अभी गर्मी इतनी हो रही है ना, गर्म गर्म हवा चल रही है, चुन्नी भी सिर से बार बार नीचे गिरी जा रही है, जैसे होता है गर्म गर्म हवा के थपेड़े पड़ रहे हैं। दोनों चीजी लेके आ रहे हैं। दीदी अभी क्या कर रही है मुझे आते हुए? अगर तेरा दिल करे तो कुछ ले आना पीने के लिए, भी गर्मी बहुत हो रही है। मैंने कहा चलो फिर कोकी बोतल ले लेती हूँ। तो अभी जा रहे हैं घर की तरफ। लव खुश हो? लव हेलो गाइज, इधर को देख के बोलो हेलो गाइज, कैसे हो? बोलो कैसे हो? खुद बता रहा ठीक हूँ। बस अब इसकी चीजें गिरती रहेंगी पॉकेट से निकल निकल के। अभी सबको कोल्ड ड्रिंक दे दी है, जो एंड में कोल्ड ड्रिंक बची है उसे बोतल में पी रही हूँ। बोतल में पीने का मजा ही अलग है। आप में से कोई है जिसको बोतल में कोल्ड ड्रिंक जरा पीना पसंद हो? घर वापस आई तो लाइट गई हुई थी, जस्ट अभी लाइट आई है। तो ठीक है गाइज, अभी मैं करने लगी हूँ आपके कमेंट्स के रिप्लाई, इसके साथ ही करने लगी हूँ ब्लॉग एडिट जो आज शाम को करना है मैंने अपलोड। तो ठीक है, आपको मिलती हूँ मैं ब्रेक के बाद। गले में पता नहीं क्या खराश सी हो जा रही है। ब्लॉग एडिट करने के बाद मैं बाहर मम्मी के पास ही बैठ गई थी, हम लोग बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते ऐसी लेट गए, वही नींद आ गई मम्मी को भी मेरे को भी। तो अभी एकदम से मेरी आंख खुली तो मेरे ध्यान में आया कि मैंने आज मेडिसिन ही नहीं खाई। अभी तकरीबन 4 बजने वाले हैं शाम के और मैंने मेडिसिन ही नहीं खाई, इतना तेज दिमाग है। ये मेडिसिन लेनी थी मैंने सुबह नाश्ते के बाद, जो मैंने अभी तक नहीं ली है। हे कृष्ण की ज्योति अलौकिक, तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवशिक प्रेम पुजारन, फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को परसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार पिता प्रभु जोगन आरती गाए रही है। दोनों करो स्वीकार पिता प्रभु जोगन आरती गाए रही है। अभी मेरे गले की इतनी गंदी बैंड बज चुकी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ी अदरक लौंग इलायची वाली चाय बनाती हूँ, शायद कुछ थोड़ा सा फर्क पड़े। मेरे को खुद को मतलब बहुत गंदा फील हो रहा है, दर्द हो रहा है गले में गंदे वाला। अभी हम सास बुआरी यहाँ पर पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय बिस्किट के साथ। अभी रात के डिनर में मैं बनाने लगी हूँ भरी हुई तोरी की सब्जी। आज भरी हुई तोरी की रेसिपी करूँगी आपके साथ शेयर, किस तरीके से बनाती हूँ मैं। तो अभी पहले इसको छीनने लगी हूँ तोरी को मैं, और सामने टीवी में एक बार फिर से मम्मी का वही सीरियल चल रहा है परिणीति वाला। आप में से कोई देखता है सीरियल तो बताना ज़रूर कमेंट करके, मेरी मम्मी तो दीवानी है सीरियल की। कटी हुई तोरी को मैरिनेट करने के लिए अभी मैं पेस्ट तैयार करने लगी हूँ। सबसे पहले इसमें मूंगफली डाल ली है मैंने, इसके साथ ही 3-4 कलियाँ हम इसमें डाल लेंगे लहसुन की, इसके साथ ही 1-1 इंच का अदरक डाल रही हूँ मैं इसमें काट के। अगर आप चाहते हो तो इसमें काजू भी यूज कर सकते हो मूंगफली की जगह पे। थोड़ा नींबू निचोड़ रही हूँ यहाँ पे मैं, नींबू की जगह पे आप इमली का रस भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इमली भी यूज कर सकते हैं। इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे हम। 4 सूखी मिर्ची भी डाल रही है इसमें मैंने लाल वाली, अब इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। अभी मैंने तोरी को छील कर कुछ इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं इतने पीसेस आपने भी रखने हैं। तो अब मैं इसको मैरिनेट करने के लिए पेस्ट तैयार करने लगी हूँ। सबसे पहले
ये देखिए एकदम से बारीक पिसा हुआ हमारा पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इससे मैरिनेट करेंगे हमारी कटी हुई तोरी को। सारा पेस्ट जो है हम ऊपर डाल देंगे। चम्मच की मदद से तो नहीं हो पाएगा, हाथ से करना पड़ेगा। चलिए अब इस पेस्ट को हम तोरी में अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अभी तोरी और पेस्ट को अच्छे तरीके से मिला दिया हमने। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालने लगी हूँ मैं, ताकि जो तोरी अच्छे तरीके से पानी छोड़ दे। इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास मेथी है, इसको भी हम अच्छे तरीके से जो है पीस कर डाल देंगे ऊपर, इसको भी मिला लेंगे। सीरियसली जो चीज़ बनने वाली है ना, अगर आप अपने घर में ट्राई करोगे आप भी कहोगे वाह क्या रेसिपी है, क्या टेस्ट है, क्या स्वाद है। अब इसको भी अच्छे तरीके से मिला देंगे आपस में। अभी 10 से लेकर 15 मिनट तक हम तोरी को रख देंगे इस तरीके से मैरिनेट होने के लिए। इसके ऊपर रख देते हैं हम ढक्कन, तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। अभी मैंने रफली लंबे लंबे शेप में काट लिया है प्याज को, इसके साथ ही यहाँ पर टमाटर को ग्राइंड कर लिया है, धनिया पत्ता काट दिया है। चलिए अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है, धुआं आना शुरू हो गया। इसमें डालने लगी मैं जीरा, आप इसी जगह पर राई भी डाल सकते हो। मुझे वैसे राई या अजवाइन ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, घर में किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो हम ज़्यादातर जीरा यूज़ करते हैं। तो जीरे को हल्का सा ब्राउन होने देंगे। हल्की सी इसमें डाल देंगे हम हींग। जीरा ब्राउन होते ही इसमें हम डाल देंगे हमारा लंबा कटा हुआ प्याज। प्याज हल्का ब्राउन हो गया हमारा, अब हम इसमें डाल देंगे हमारी टमाटर की ग्रीन चिली करी। मिला लेते हैं इसको आपस में अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार मसाले। नमक हमने पहले थोड़ा डाल रखा है, तो नमक थोड़ा ध्यान से डालना। कलर अभी से कितना प्यारा लग रहा है ना ऐसे। चलिए अभी हम इसमें डालेंगे मसाले पेस्ट अनुसार। नमक 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 नमक। इसके साथ ही यहाँ पर हम डाल देंगे हल्दी, गरम मसाला। बस मैं ये मसाले यूज कर रही हूँ, इनको अच्छे तरीके से मिला देंगे और तड़के से पकने देंगे, अच्छे तरीके से तैयार होने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसके ऊपर लगाने लगी होगी मैं ढक्कन। तड़के को भी अच्छे तरीके से पकने दीजिए, लगा दीजिए ढक्कन। तड़के का कलर और इसके ऊपर तैरता हुआ तेल आपको बता ही रहा होगा कि हमारा जो तड़का है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। और यहाँ दूसरी साइड जो हमने मैरिनेट करके रखा था आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का पानी इसके ऊपर, तो ये भी तैयार है अच्छे तरीके से। 10 से 15 मिनट इसको मैरिनेट करके रखा है हमने। तो बस अब करना क्या है, मैरिनेट की हुई तोरी को हम डाल देंगे हमारे गर्मा गर्म लजीज तड़के में। तोरी डाल दी हमने तड़के में, इसमें हमको रत्ती भर भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तोरी है खुद ही बहुत सारा पानी छोड़ेगी। थोड़ी देर में भी आप खुद ही देखोगे। तरीके से मिला लेते हैं। कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है, कितनी यमी बनने वाली है। आप इसकी लुक से अंदाजा लगा रहे होगे, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है इसे। सच बताऊँ तो बहुत टेस्टी बनती है, ट्राई करके देखना आप एक बार, उसके बाद मुझे बताना कि मेरी कही हुई बात में आपको सच्चाई लगी या नहीं लगी। अब इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे हम और सिम गैस में इसको पकने देंगे 20 से 25 मिनट कम से कम। चलिए अब इसके ऊपर लगा देते हैं ढक्कन। अभी हमारी यम यमी सब्जी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, इसके ऊपर एड में हम डाल देंगे धनिया पत्ता। यमी भरी हुई तोरी की सब्जी तैयार है, आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसे कोई भी इसे ट्राई करेगा तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा मुझे, देखने में तो बहुत ही लजीज लग रही है। बाकी रोटी के साथ खाएंगे तो पता लगेगा कैसी है। अगर आप इसमें मतलब इसको और ग्रेवी वगैरह बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है तोरी तो मुझे खाने में। नॉर्मली जो तोरी आलू हम बनाते हैं घर में, तो मैं जरूर उसके साथ चावल बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो ठीक है अभी करते हैं बाकी तैयारियाँ। यहाँ टीवी में ब्लॉग चल रहा है, दुल्हन नाच रही है हमारी। हाँ, 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 हाँ
के माही मेरा किथे रह गया। माही मेरा किथे रह गया। अभी सब्जी वगैरह तो तैयार कर ली है मैंने, दीदी का कॉल आया था तो घर गई थी मैं उनके। तो दीदी कह रहे हैं जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा हम शादी में गए थे, लड़की की शादी थी, तो आज उनके घर में कोई गीत वगैरह गाने के लिए जाना है। मुझे नहीं पता एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हमारे पटियाला में तो ऐसा होता था कि शादी से पहले गीत गाते थे, कोई 5 दिन पहले गवाते थे, कोई 11 दिन पहले गवाते थे, लेकिन यहाँ कल शादी हो चुकी है लेकिन आज उन्होंने बुलाया है तो अभी जा रहे हैं उनके घर में। मैंने नॉर्मल घर में ऐसी टी शर्ट पहनी हुई थी तो अभी कुर्ता पहन लिया मैंने। चलिए आप भी मेरे साथ देखते हैं क्या हो रहा है। दीदी बाहर खड़े हैं घर के। चलो चलिए आ गए हम। ढोल की आवाज बाहर तो सुनाई दे रही है, अंदर चल रहे हैं गीत। कोई देख रहा है कैसा कार्टून है। प्रसाद मिला है यहाँ से। अब जा रहे हैं घर की ओर वापस। गीतों में जाकर अभी घर वापस आ गए हैं हम। काफी अच्छी रौनक लगी हुई थी, काफी सारी मोहल्ले की लेडीज थी, उनके रिलेटिव्स वगैरह थे। एक्चुअल मैंने उनको पूछा कि मतलब क्यों करते हैं तो वो कहने लगे कि हम पहले से ही कर रहे थे, हम लोग देहरादून गए हुए थे इस वजह से मैं नहीं जा पाई, अटेंड नहीं कर पाई, तो मुझे पता नहीं था इस बारे में। तो 2-4 दिन पहले से वो लोग गीत वगैरह घर में गा रहे थे। दुल्हन के विदा होने के बाद विदाई के सॉन्ग्स गाए जाते हैं, वो कह रहे थे एक दिन बाद हमारे घर में, जो कि आज गाए गए और आज आखिरी वाला दिन था। तो गीत वगैरह गाकर अभी घर वापस आ गए हैं। चलिए अब करते हैं खाने पीने की तैयारी। में सभी ने खाना खा लिया है, मैंने नहीं खाया। पता नहीं क्यों अचानक ना मेरे पेट में दर्द सा होना स्टार्ट हो गया। हमारी पहाड़ी भाषा में जैसे कहते हैं कि मैट से लग रहे हैं, मतलब लहर टाइप से उठती है दर्द की एकदम से पेट में, पता नहीं क्यों हो रहा है। शायद कल जो खा लिया बाहर का उससे गला भी खराब हो रहा है मेरा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, अजीब अजीब सही। तो बस अब रात को नींद आ जानी तो ड्रामा चलता रहेगा। तो घर में सबको सब्जी काफी टेस्टी लगी, मैंने जो सब्जी टेस्ट की थोड़ी सी की कैसी बनी है देखने के लिए, काफी टेस्टी बनी है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो सब्जी को, इस रेसिपी को अपने घर पे, तो जरूर ट्राई कीजिएगा, काफी यमी बनती है, खा के मजा आ जाएगा आपको। जो मैंने उसमें कसूरी मेथी डाली थी वो आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, कईयों को उसका टेस्ट अच्छा लगता है, कईयों को नहीं लगता, तो वो ऑप्शनल है, वो आपकी मर्जी है। अगर आप उसके बिना भी बनाओगे तो भी टेस्टी ही बनेगी। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के इस व्लॉग को मेरे साथ साथ काफी एंजॉय किया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए। आह आह।